नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर और एक बार फिर मैं आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम सीखेंगे मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8 और इस चैप्टर में हम जो सीख रहे हैं आज वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम आज करने वाले हैं 12। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हम करने वाले हैं। सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। 36 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो यहाँ पर जो मैन है वो 36 हैं, किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हैं 20 डेज के अंदर। आगे लिखा है इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी डन। तो इसका मतलब है कि वर्क कितने दिन में ख़त्म किया जाएगा इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 12। यदि आदमी की जो मैन है उनकी संख्या अगर हम 12 रिड्यूस कर दे, मीन्स कम कर दे, पहले 36 था, अब 36 में से 12 माइनस कर दीजिए, मीन्स 24 रह जाएगा। तो 24 मैन कितने दिन में वो काम को ख़त्म कर पाएंगे, आइए करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों मैं टेबल बना लेता हूँ और बहुत इजी क्वेश्चन है सॉल्यूशन 12। ठीक है, यहाँ पर ये मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैन। ठीक है, मैं नंबर को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मैन। ये देखिए MEN मैन, और एक होता है MAN मैन, वो सिंगुलर होता है, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, ज़्यादा है तो MEN आएगा। और नंबर ऑफ डेज इधर लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब मैन है हमारे पास 36 और नंबर डेज लगते हैं 20। अब मैन उसमें कहा कि 36 थे ना, उसमें से 12 रिड्यूस कर दिए तो कितने रह गए 24। तो 24 और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, नेक्स्ट एक्स डेज में वो काम कंप्लीट होगा। आप देखिए यहाँ पर जो मैन है वो रिड्यूस हो चुके हैं, मीन्स कम हो गए हैं, तो लेस मैन लिख देता हूँ मैं। तो डेज कितने लगेंगे, मोर लगेंगे। तो इस टाइप का जब वेरिएशन आए आपको तो वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, मोर डेज। आइए तो आप जो मैन का रेशो उसको तो सीधा लिख लीजिए, 36:24 और इक्वल जो नंबर ऑफ डेज का रेशो है उसको इनवर्स में लिख लीजिए, उल्टा लिख लीजिए। तो एक्स रेशो 20। ठीक है, 20:x नहीं लिखना है, इसको उल्टा लिखना है। अब करना फिर वही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म, ये 24x और इक्वल मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म 36:20। अब 24 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। ये मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से कर देते हैं, 6 से भी हो रहा है, सॉरी 6 से कर देते हैं, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 4 से 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 6 5 जा 30। तो 30 डेज बच्चों वो अगर 24 आदमी काम करेंगे तो वर्क जो है, जो भी काम दिया हुआ है वो 30 डेज में कंप्लीट होगा। तो बच्चों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।